दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बैंक की बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 सितंबर 2020 है। आप इस भर्ती के फॉर्म को 29 सितंबर तक फिलअप कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती की ऑनलाइन नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं बैंक भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO की ये भर्ती है। पोस्ट है इसमें 535, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी मैनेजर के लिए 31,705 से 45,950 है, जबकि सीनियर मैनेजर के लिए 42,020 से 51,490 है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, CA, ICWA, MBA, BBTech से आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट वाइज और साथ साथ डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज की जानकारी और साथ साथ क्वालिफिकेशन एज की जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन से दिखाएंगे। मैनेजर के लिए 25 से 35 वर्ष आयु सीमा है, जबकि सीनियर मैनेजर के लिए 25 से 37 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क SC ST PWBD कैटेगरी के लिए ₹175 है। ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹850 आवेदन शुल्क है। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट और या और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। PNBIndia.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं आज ही से। जी दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8 सितंबर 2020, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 सितंबर 2020 है। ऑनलाइन एग्जाम की डेट अक्टूबर या नवंबर 2020 में है। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसका रिक्रूटमेंट का ये पेज ओपन हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत रिक्रूटमेंट का ये पेज है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस डेट 7/9/2020 को यहाँ पर अपलोड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेज में नोटिफिकेशन के लिंक दिए गए हैं। इंग्लिश के लिए आप जैसे इंग्लिश के लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी इंग्लिश के नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ यहीं पर आपको हिंदी के लिए नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी हिंदी की नोटिफिकेशन की PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बात अगर डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन 8/9 से स्टार्ट है, लास्ट डेट 29/9/2020 है। इसी तरह आप हिंदी में भी यहां से ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि चेक कर सकते हो। इसी तरह यहां पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी दी गई, साथ साथ सैलरी की भी जानकारी दी गई है। आप देख सकते हो मैनेजर रिस्क के लिए यहां पर टोटल 160 वैकेंसीज है। सैलरी हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं। मैनेजर क्रेडिट के लिए यहां पर 31,705 से 45,950 से लिए 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। मैनेजर ट्रेजरी के लिए देख सकते हो 30 वैकेंसी है। मैनेजर लॉ के लिए 25 वैकेंसी है। मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। मैनेजर सिविल के लिए 8 वैकेंसीज है। मैनेजर इकोनॉमिक के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज है। मैनेजर HR के लिए भी 10 वैकेंसीज है। सीनियर मैनेजर के लिए रिस्क के लिए जो यहाँ पर है 40 वैकेंसीज है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 50 वैकेंसीज है। इस तरह यहाँ पर 535 टोटल वैकेंसीज है। जी हाँ दोस्तों, 9th और 10th नंबर पर आप देख सकते हो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, इनके लिए 90 वैकेंसीज है। जो बाकी की वैकेंसीज है मैनेजर की ये पोस्ट है, इन सभी के लिए आप चेक कर सकते हो। इसी तरह आप हिंदी में भी यहाँ से वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हो। प्रबंधक की पोस्ट है और साथ साथ यहाँ पर वरिष्ठ प्रबंधक की ये पोस्ट है, दोनों के लिए आप यहाँ से भी वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। जैसे आप इस PDF को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज टेबल में यहाँ पर वैकेंसीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जी हां दोस्तों, SC ST OBC WH जनरल सभी के लिए, PWBD के लिए भी आप यहां से वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए क्या वैकेंसीज निकली है, वो आप इसी तरह यहां से भी सिंपली चेक कर सकते हो। हिंदी में भी ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। जैसे आप इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहां पर कंप्लीट डिटेल्स में दिया गया है। पोस्ट वाइज आप यहां से चेक कर सकते हो, आयु की जानकारी, क्वालिफिकेशन की जानकारी, पोस्ट क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी आप चेक कर सकते हो। इसी तरह से
यहाँ पर मैनेजर रिस्क के लिए बैचलर या मास्टर से आप अप्लाई कर सकते हो, इसी तरह मैनेजर क्रेडिट के लिए भी CA से आप अप्लाई कर सकते हो या MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर ट्रेजरी के लिए यहाँ पर MBA फाइनेंस से आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर लॉ के लिए ग्रेजुएट डिग्री लॉ से आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो आर्किटेक्चर में। इसी तरह मैनेजर सिविल के लिए BBTech डिग्री से अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग में। मैनेजर HR के लिए भी आप देख सकते हो 2 साल का फुल टाइम यहाँ पर डिस्टेंस मोड में एजुकेशन में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर HR या फिर HRD या फिर HRM या फिर लेबर लॉ में तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैनेजर इकोनॉमिक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से इकोनॉमिक्स और साथ साथ आप यहाँ से जानकारी कंप्लीट चेक कर सकते हो। सीनियर मैनेजर के लिए देख सकते हो जो रिस्क पोस्ट के लिए, इसके लिए बैचलर या मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए भी CA से या फिर MBA से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों क्वालिफिकेशन की जानकारी आप यहां से हिंदी में भी सिंपली चेक कर सकते हो, पोस्ट वाइज आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है, आप किसी भी लैंग्वेज में यहां से पूरा क्राइटेरिया सिंपली चेक कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों जैसे आप इस PDF को और स्क्रोल डाउन करोगे तो यहां पर आपको आयु सीमा में छूट की भी जानकारी दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट दी जा रही है, OBC के लिए 3 साल की है, PWBD के लिए यहां पर 10 साल की छूट है, EX सर्विसमैन के लिए भी आप चेक कर सकते हो 5 साल की, और साथ साथ यहां पर और भी कैटेगरी के लिए 3 साल की यहां पर आपको छूट दी गई है। जैसे आप इस PDF को स्क्रोल डाउन करोगे तो यहीं पर आपको एग्जाम पैटर्न की भी जानकारी दी गई है ऑनलाइन टेस्ट के लिए। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग के लिए यहां पर 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मैक्सिमम मार्क्स है। क्वांटिटी और एप्टीट्यूड के लिए भी देख सकते हो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 50 मैक्सिमम मार्क्स है। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए भी आप देख सकते हो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन है और 75 मैक्सिमम मार्क्स है। टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो 120 मिनट का है, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल है और 200 ही मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप इस PDF को स्क्रोल डाउन करोगे तो कंप्लीट जानकारी आपको इसी PDF के अंदर दी गई है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो यहाँ पर आपका एग्जाम सिटीज रहने वाली है वो आप चेक कर सकते हो, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर एग्जाम सेंटर रहने वाला है, आप सिंपली चेक कर सकते हो। फीस की भी जानकारी दी गई, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको फॉलो करने के बाद में आप सिंपली इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF इंग्लिश या फिर साथ ही साथ हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो नोटिफिकेशन की इन PDF को रीड करने के बाद में। या दोस्तों साथ साथ हमारे पोर्टल पर ही आपको अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा डालने के बाद में सबमिट करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।